Hi guys, today we are going to discuss about the smallest problem of human and detail of medicine. So I am Dinesh from Kanpur. My YouTube channel Dinesh R. Januji. So please subscribe and share this video other member and many members, more members. So मैं आपको बता दूँ कि जो patient गांव घर से कस्बों से belong करते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको प्रॉपर मेडिसिन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर उनको एडवाइस ना मिलने की वजह से या बिल्कुल जो सही गाइडलाइन जो होती है तो वो ना मिल पाने की वजह से या सही डॉक्टर ना मिल पाने की वजह से उनको कई लेबरों की दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे गाँव के जो पड़ोसी हैं तो वहाँ पर एक पेशेंट था, हार्ट पे वो लंग्स पेशेंट था, लंग्स में उसको प्रॉब्लम थी। लंग्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि लंग्स से रिलेटेड कई डिफेक्टेड डिजीज़ होती हैं, लंग्स में कई डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट करने के लिए लंग्स को क्या करना पड़ता है, हमको बहुत ही क्लोज जूम करके उसकी डिजीज़ को, उसके वायरस को, कौन सा एंजाइम, कौन सा हार्मोन, कौन सा वायरस वहाँ पर काम एक्टिव तरीके से काम कर रहा है, कौन सा इनएक्टिव है, एक्टिव इनएक्टिव, वो सब चीज़ें हमको जूम करके उस चीज़ के बारे में स्टडी करना पड़ता है, देखना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट नहीं मैंने बोला कि लंग्स स्पेशलिस्ट जो होते हैं डॉक्टर, वो सही ट्रीटमेंट उस चीज़ का निकाल पाते हैं, पर बट जो गांव घर से बिलोंग करता है, कस्बों से बिलोंग करता है जो पेशेंट, वो कन्फ्यूजिंग में चला रहता है। ठीक है, तो उसका मनी और पैसा दोनों, मनी और टाइम दोनों लॉस हो जाता है क्योंकि उसको प्रॉपर सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। सेकेंड क्या है कि उसको सही गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है। थर्ड क्या कि उसकी जो कैपेसिटी है, उसका इम्यून सिस्टम है वो किस हिसाब से चल रहा है, उस इम्यूनिटी के हिसाब से हमको कितनी डोज की दवा, कितने ml, कितने mg की दवा देनी है, वो चीज़ें क्लियर नहीं होने पाने की वजह से पेशेंट को कई लेवल पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी पेशेंट को 250 mg चाहिए, हम उसको 500 mg दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो बेचारा चरमरा जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम होगी उसकी लाइफ में, दिक्कत में आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप दवा करवाएँ, ट्रीटमेंट करवाएँ, तो जो दवा डॉक्टर आपको दे रहा है ज़रूरी ये नहीं कि वो बिल्कुल सही दवा है। और मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं कि डॉक्टर बुरा है या डॉक्टर सही दवा नहीं दे रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा, बट जब भी कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं आप तो उसके लिए आप क्या करें कि दो डॉक्टर या तीन डॉक्टर से उस चीज़ की सलाह ले लें, उसकी गाइडलाइन ज़रूरी है। तो जो पहली बात, तो जो भी मेडिसिन आप लें अपनी बॉडी में तो उसकी प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए अपने पास। अगर डिटेल नहीं है तो किसी न किसी डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में चले जाइए, कनेक्टेड हो जाइए किसी डॉक्टर से, आपका फैमिली डॉक्टर तो और अच्छी बात है, वहाँ से उस दवा के बारे में 3-4 डॉक्टरों से उसको मिलकर सलाह लीजिए, फिर जाके उसका आप यूज़ कीजिए अपनी बॉडी में लीजिए। क्योंकि जो दवा हमारे बॉडी में चली जाती है तो वो क्या एक्शन करती है, क्या रिएक्शन होते हैं, क्या कौन सा एंटीबॉडी मारती है, कौन सा एंटीबॉडी तैयार करती है, वो सब चीज़ें अलग अलग इफेक्टली तरीके से काम करती हैं। तो वो अपने बॉडी में जब चली जाती है तो अब तक हमको नहीं पता रहता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन जो पहले बॉडी के जाने के पहले जो चीज़ें होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है कि हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज़रूरी ये नहीं है कि डॉक्टर सही ट्रीटमेंट आपको दे रहा है, या ये भी नहीं कहूँगा कि डॉक्टर गलत है, डॉक्टर सही ट्रीटमेंट नहीं दे रहा तो इसका मतलब डॉक्टर बुरा है, ऐसे कुछ नहीं है। सब लोग अपनी अपनी जगह राइट हैं, लेकिन सही टाइम पर सही दवा ना खाना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेशेंट की। तो आपको बता दें कि जैसे कि एक लेडीज आई थी, मेरे को बोला था कि मेरे को डेट प्रॉब्लम, तो डेट प्रॉब्लम जो होती है तो डेट में कहाँ प्रॉब्लम है, उसके फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है या उसके यूट्रस में प्रॉब्लम है या उसका ओवरी है तो ओवरी में प्रॉब्लम है, तो इन तीन कंडीशनों में कहाँ उसको दिक्कत है, हमें को इस लेवल पर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि उसने क्या किया था कि वो फीमेल गई थी डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने, मेडिसिन के नाम पे डॉक्टर ने ब्लड प्रॉब्लम की जो एक बोतल होती है वो उसने उसको थमा दिया, जो बॉडी पेन होता है, दर्द होता है वो उसको दे दिया। ठीक है, तो दो जो होती हैं, दो मेडिसिन जो हैं तो वो क्या है, कॉमन है। अगर बॉडी में पेन होगा तो आपको पैरासिटामोल, ये इसके अलावा कई हैं जो आपको उससे रिलेटेड, पेन से रिलेटेड आपको टेबलेट आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा डॉक्टर। और अगर आप बताएंगे कि ब्लड प्रॉब्लम है तो ब्लड के प्रॉब्लम की वजह से जो भी मेडिसिन आती है तो ब्लड प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको दे देगा, लेकिन आपको एक्चुअली में कहाँ दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उस चीज़ को आप डॉक्टर से शेयर नहीं किए हैं। अगर शेयर किए हैं तो डॉक्टर उसी चीज़ की, उसी मर्ज की, उसी डिजीज़ की दवा आपको प्रोवाइड नहीं करवाया है, तो फिर ये डॉक्टर की गलती है।
तो इन दोनों फंडे को समझने के लिए आपको अपना शरीर और अपना बॉडी मेंटेन रखने के लिए आपको खुद को लड़ना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। इसमें ना तो आपके पड़ोसी, ना तो बगल वाले, ना तो डॉक्टर, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आपको दिक्कत होती है, एलर्जी होती है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि एक लड़की आई थी, गर्ल्स आई थी मेरे पास, बोला कि मेरे को पिंपल्स निकल रहे हैं। तो पिंपल्स निकल रहे थे उसके, तो मैंने उसको मेडिसिन दे उसने मेडिसिन ले रखी थी पहले से ही। उसने मेडिसिन वही जो डॉक्टर दिया था मेडिसिन, मैंने उस मेडिसिन को देखा, तो उस पर लिखा था कि खाज खुजली और दांत खाज खुजली और इससे इन सबसे रिलेटेड क्या है कि वो पिंपल्स को किल करने के लिए वो एक बिल्कुल पेस्ट जैसा एक मेडिसिन प्रोवाइड करवाया था। मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार ये सटीक दवा नहीं है। क्यों सटीक दवा नहीं? क्योंकि अगर उसको पिंपल्स प्रॉब्लम है तो पिंपल्स प्रॉब्लम किस लेवल पे पिंपल्स प्रॉब्लम है? पिंपल्स प्रॉब्लम की 3 स्टेज होती हैं। पिंपल्स प्रॉब्लम की 3 स्टेज होती हैं, ठीक है? किस स्टेज में वो चल रही है, स्टेज बाय स्टेज हम उसको मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है? लेकिन उस डॉक्टर ने ना तो स्टेज बाय स्टेज मेडिसिन प्रोवाइड करवाई है और ना ही प्रॉपर पिंपल्स की प्रॉब्लम उसको दूर करने के लिए मेडिसिन दी है, बल्कि उसको एक कॉमन कॉमन जो मेडिसिन होता है उसने उसको पकड़ा दिया था। तो एक गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। और अगर ऐसा कर भी देती है तो वो डॉक्टर की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम पेशेंट की है कि पेशेंट को पता नहीं कि हमको कौन सी दवा लेनी है। ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है? तो कुल मिला के हमको जागरूक होना चाहिए, इन सब चीज़ों में जानना चाहिए। तो मैं पहली बात कहूँगा कि आप जो भी मेडिसिन अपनी बॉडी में लें या अपने चाहने वालों को दें, तो उसको देने से पहले आप 4 या 3 डॉक्टर से सलाह ले लें, ताकि हर डॉक्टर अगर सेम बात बोलता है तो मेडिसिन पक्की है। अगर डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं तो उस मेडिसिन को कभी मत लेना अपनी बॉडी में, नहीं तो फिर एलर्जी और इसके अलावा कई लेवल पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? फिर मैंने उसको लिख के दिया, मैंने उस दर्ज को लिख के दिया एक टेबलेट, और वो टेबलेट थी एडी एजिथ्रोमाइसिन। मैंने एजिथ्रोमाइसिन नाम की एक टेबलेट उसको प्रोवाइड करवाया अपनी तरफ से। मैंने बोला इसको तू खा और फिर हमको बता कि क्या बॉडी में रिएक्शन एक्शन होते हैं, क्या आपको फील होता है, कैसा फील होता है। तो आप अगर इस मेडिसिन को लेते हैं, अगर इस मेडिसिन को आप लेंगे तो इससे जो आपके पिंपल्स होते हैं, ठीक है, तो पिंपल्स क्या है तो खत्म हो जाएंगे, पिंपल्स तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो एलर्जी काज कर देगा, ठीक है? तो आपको हम बता दें कि ये हार्ड दवा है, ठीक है, हार्ड दवा है। इसको हम अपन लोग अगर लेते हैं 250 mg, 250 mg की अगर इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपका पिंपल्स तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही कर देगा, लेकिन वो क्या है कि एलर्जी काज कर देगा, एलर्जी एलर्जी काज कर देगा, ठीक है? तो एलर्जी काज कर देगा। अब एलर्जी को प्रॉपर ठीक करने के लिए हमको क्या मेडिसिन की ज़रूरत है? तो एलर्जी को ठीक करने के लिए अपन एक और टेबलेट प्रोवाइड करवाते हैं, सेट्रा, SETRA, सेट्राइन, ठीक है? सेट्राइन नाम की एक टेबलेट आती है 25 mg, 25 mg। अगर आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपका पिंपल सिस्टम पूरा सही हो जाएगा। ये बॉय के केस में भी है, गर्ल्स के केस में भी, दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, पहला जो अगर आपको पिंपल्स प्रॉब्लम है तो आप ये दवा ले लीजिए जो मैंने आपने राइटिंग कर दी है, एजिथ्रोमाइसिन नाम की दवा मैंने लिखी है उसको ले लीजिए। ये दवा क्या करेगी, आपके पिंपल्स को राइट कर देगी, लेकिन इससे एलर्जी हो जाएगी। जो एलर्जी काज करेगा उस एलर्जी को किल करने के लिए, एलर्जी किलर मैंने आपको सेट्राइन नाम का एक टेबलेट दिया जो 250 mg है, ठीक है? तो 250 mg टू 15 mg की लेना है, ठीक है? इसके अलावा ये कई मॉडल में आती हैं, 500 ml, ये mg, 500 ml की आती है। तो ये सब चीज़ें लेने की जरूरत नहीं है। ये किसे से ले सकते हैं आप, 18 to 50 या इससे अधिक, ठीक है, YEAR ओल्ड 18 से स्टार्ट है। 18 अगर आप 18 ईयर के हो गए हो, या 18 से या यूँ कह लो कि 14 भी ले सकते हैं। जो 40 ईयर के हो चुके हैं गर्ल्स वाय, वो इसको यूज़ कर सकते हैं 250 mg। अगर 14 के नीचे हैं तो इसके लिए नॉर्मल मेडिसिन की ज़रूरत है, इस मेडिसिन का उपयोग ना करें, बिल्कुल भी ना करें। और जो 18 को पार कर चुके हैं, तो 18 को जो पार कर चुके हो 250 mg ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले भी नहीं सकते क्योंकि इसका डोज बहुत ज़्यादा होता है। अगर उस 250 अगर पार कर गए तो फिर एलर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? एलर्जी जो ज़्यादा हो जाएगी तो फिर एलर्जन काज करेगी, ठीक है? एलर्जन को किल करने के लिए मैंने सेट्राइन नाम की एक टेबलेट दे रखी है, ठीक है? दिस इज द 250 mg।
आपको मैं एक और टेबलेट बता देते हैं, जैसे कि जिसका गाल नहीं भरता, ठीक है, जिसको अपने गाल भरना है, अपने बॉडी में थोड़ा फैट लाना है, ठीक है, जो दुबले पतले हैं उनके लिए मैं एक टेबलेट बता रहा हूँ, बी फोर्ट प्लेक्स नाम की एक टेबलेट है, ठीक है, बी फोर्ट प्लेक्स नाम की एक टेबलेट है, इसको अगर आप लेते हैं, बी फोर्ट प्लेक्स नाम की एक टेबलेट होती है, अगर आप इसको लेते हैं प्रॉपर कंटिन्यूसली तरीके से, तो आपका जो बॉडी का जो फैट है तो वो बढ़ेगा, आपका मतलब कि हरा भरा दिखेगा, और जो बॉडी है तो भरी भरी दिखेगी, और ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इम्यूनिटी SYSTEM सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को STRONG स्ट्रॉन्ग करना, ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो ये फंडे हैं, पिंपल्स के लिए मैं एक और बता दूं, विटामिन ई ऑयल, विटामिन ई ऑयल नाम की एक पिल्स आती है, ठीक है, मैंने क्या बोला, विटामिन ई ऑयल नाम की एक पिल्स आती है, ठीक है। अगर आप इस विटामिन ई ऑयल नाम के पिल्स को ले लेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जब हम उस पिल्स को निकालेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो उसमें एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जब लिक्विड भरा होता है तो उस लिक्विड को हम निकाल लेते हैं, उस लिक्विड को निकालने के बाद अपने पिल्स में, पिल्स वाले स्थान पर, प्लेस पर आप लगाइए, तो इससे क्या होगी कि जो बॉडी का जो स्किन है, ठीक है, तो स्किन भी स्ट्रांग हो जाएगी, स्किन ब्यूटीफुल हो जाएगी, और इसके अलावा वो आपके जो जो भी प्रॉब्लम है चेहरे पे, फेस पे, तो वो क्लियर कर देगा, कट कर देगा। आपको मैं फिर से बता दूं कि आई एम नॉट डॉक्टर, ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और आपको ये भी बता दूं कि जो डॉक्टर नहीं होते हैं, मेरे कहने का मतलब जो डॉक्टर की उपाधि नहीं लेते या डॉक्टर की डिग्री नहीं लेते, उनको ये सब मेडिसिन रखने का कोई हक नहीं है, ये गवर्नमेंट से है, नियम है, गवर्नमेंट का रूल्स है कि वो मेडिसिन रख नहीं सकता, रख कर किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, लेकिन जो जानकारी अपने पास है, जानकारी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं सभी को। तो जैसे कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, तो मैं बता सकता हूँ, बट मैं ऐसी मेडिसिन रख नहीं सकता, जिसको प्रॉब्लम है तो मैं उसको लिख के दे सकता हूँ कि भाई ये मेडिसिन ले लेना, लेकिन मैं ये सब रख नहीं सकता, रख कर मैं सेलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये गैरकानूनी है, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये फंडा है, ठीक, मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाई आप, अगर आपको सही जानकारी है पेशेंट को कि किस टाइप का पेशेंट है, किस स्टेज का पेशेंट है, तब आप अपना पैसा उस पर लगाइए, अपना टाइम लगाइए, अदरवाइज टाइम और पैसा बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। फिर से बता देते हैं कि आई एम नॉट डॉक्टर, आई फील डॉक्टर, मैं महसूस करता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, एक्चुअली मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए, आप सही जानकारी देने के लिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल दिनेश आर जानू जी पर बने रहें, और आपको एक बात बता दें कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडशिप के साथ, अपने परिवार के साथ, या अपने दोस्तों के परिवार के साथ, ताकि उसको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और लाइफ में अच्छा काम कर सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।